हालचाल हैं आपके? अल्लाह पाक का फजल व करम होगा, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। तो सबसे पहले तो जी खाना विद रुखसाना में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नया साल शुरू होने लगा है सबको। हमारा बेसिकली साल तो मुहर्रम से शुरू होता है इस्लामी, लेकिन चूँकि दुनिया के साथ चलना पड़ता है तो ये नया साल है जी, मना रहे हैं सब लोग। तो आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, अल्लाह ताला आप पे फजल व करम जारी रखे। तो आज इस नए साल की खुशी में जनाब हम दुनिया के साथ चलते हैं, तो मीठा बनाने लगी हूँ बहुत यूनिक फॉर्म में। हैं तो कॉमनली जो सेवैयाँ घर में बनाई जाती हैं, लेकिन मैं इसको नई शेप दूंगी। तो एक पैकेट मैंने सेवैयों का ले लिया है, बारीक जो होती हैं बाजार से पैकेट मिलता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में मैंने ले लिए हैं पिस्ता और बादाम, और इनको छोटा छोटा बारीक काट लिया है। अब ये रेसिपी मैं उन बहन भाइयों के लिए बना रही हूँ जो चीनी से अवॉइड करते हैं, यानी कि शुगर से अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए मैं सुकराल में इसको मीठा बनाऊंगी, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा आपको इसकी फॉर्मेशन भी। और ये जो रेसिपी है जो बच्चे मीठा खाते हैं ना शौक से, उनको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बच्चों के लिए, जिनकी माएँ उनको मीठा नहीं देना चाहती या किसी वजह से वो नहीं खा सकते, तो आप उनके लिए ये बना सकते हैं, मेरे बड़े बुज़ुर्ग बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, सेवैयों का एक पैकेट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सुकराल है, और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा। तो सबसे पहले ऑयल जो है वो मेन है, तो पैन में मैं ऑयल डाल लेती हूँ। 3 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। अब ये जैसे ही गर्म होता है इसमें हमने सेवैयाँ डाल देनी है। ये देखें जी, सेवैयों को हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना, अदरवाइज ये जल जाएंगी। तो भूनने के बाद हम इसमें आगे आपको बताते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करना है। सुकराल हम एंड पे डालेंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसको हमने भूनने के बाद इसमें पानी थोड़ा सा हमने ज़्यादा डालना है। इसको हमने मतलब सॉफ्ट फॉर्म में बनाना है। इसके मैं बनाने लगी हूँ आज शुगर फ्री लॉलीपॉप्स, तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। अब ये 5 से 7 मिनट सेवैयाँ भूनने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी का डालूंगी, और सुकराल के जो 8 से 10 ड्रॉप्स हैं, 15 भी डाल सकते हैं आप एक पैकेट में, वो मैं एंड पे डाल दूँगी। तो ये मैं भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसमें पानी कब ऐड करना। देखिए व्यूअर्स, सेवैयाँ भूनने के बाद इसमें मैंने तकरीबन छोटा गिलास था, छोटा सा, वो मैंने डाला है, ये वाला देखे, ये तकरीबन मैंने इतना सा इसके अंदर डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। जैसे ये ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें सुकराल के ड्रॉप्स डालते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी सेवैयाँ रेडी हैं। आप देखें ये वाइट फॉर्म में है। अक्सर पैकेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्राई होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन ये वाला जो पैकेट मुझे मिला है ये कम फ्राई था, तो ये भुन गई हैं। आप ये ना लाइएगा इसकी फॉर्मेशन या इसकी लुक देख के कि ये तो बिल्कुल वाइट है, ये असल में कम फ्राई किया हुआ था, भुना हुआ था, तो इसीलिए इसका कलर ऐसा है। ये देखें कितने अच्छे हमारे मैश हो गए। मैश करना ज़रूरी था क्योंकि मैंने इनके लॉलीपॉप्स बनाने हैं। और ये देखें, मैंने कबाब में जो बनाती हूँ स्क्यूर्स बनाती हूँ, वुडन स्क्यूर्स को हाफ फॉर्म में कर लिया, साथ हमारे ड्राई पड़े हुए हैं, तो करते हैं अब हम। ये हमने सेवैयों की बॉल फॉर्म में कर ली है, जैसे लॉलीपॉप है। अब ये हम वुडन जो है स्टिक लेते हैं और इसके अंदर हम पेनिट्रेट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो इस तरह से हमने इसका एक लॉलीपॉप बना लेना है, और उसके बाद ये हमने सारा जो है उठा के इसके अंदर हमने कोटिंग कर लेनी है ड्राई फ्रूट्स में। ये देखें, इसको अभी हमने स्टेबल करना है, थोड़ी देर हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। जब आपने खाना है, बच्चों को सर्व करना है, तो आप इसको गर्म करके स्टिक के साथ ही माइक्रोवेव में आराम से इजीली दे सकती हैं, तो ये बच्चे आपके इजीली खा लेंगे। तो ये देखें कितनी गुड लुकिंग हो गया हमारा। तो इसी तरह हमने सारे बना लेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारे सेवैयों के जो हैं शुगर फ्री लॉलीपॉप्स रेडी हैं। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं। अब देखें, ये छोटा सा मेरे पास एक पैक था, उसके अंदर मैंने जैम को फिल किया है थोड़ा सा गर्म करने के बाद माइक्रोवेव में। अब इस जैम से मैं प्लेटिंग करूंगी और इंशाल्लाह इसकी आपको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। अभी मैं इनको 5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। आप भी फ्रीज़ कर सकते हैं जब चाहें, आपके बच्चे और बड़े गर्म करके माइक्रोवेव में इनको खा सकते हैं। प्लेटिंग मैंने कर ली है व्यूअर्स। देखें, जैम के साथ मैंने आपको दिखाया था, ये छोटा सा पैक था, इसका मैंने कॉर्नर से होल किया और इसकी मैंने कर ली है। अब इसके बाद हम इसके अंदर लॉलीपॉप आपको प्रेजेंटेशन उसकी करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारे शुगर फ्री सेवैयों के लॉलीपॉप रेडी हैं। देखें आप, इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहें, अल्लाह पाक ये साल आप सब के लिए और हमारे लिए मुबारक साबित हो। तो इसके लिए एक नए महीने की या नए साल की एक दुआ है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसकी इब्तदा इंशाल्लाह ताला जैसे ही 12 बजे हमने पटाखों से नहीं करनी, हमने अल्लाह पाक का कुरान पाक जो है वो खोलना है और उससे हमने मदद लेनी है नमाज से।
और अल्लाह के जिक्र से इसका शुरू हमने शुरू करना है। नया साल है, नया साल हमारा मुहर्रम में है, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया है कि दुनिया के साथ चले हम भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, लेकिन हमारा यकम मुहर्रम से शुरू होता है। तो आपने प्लीज़ काइंडली 12 बजे जब भी ये शुरू होना है तो अल्लाह के जिक्र से हमने और नवाफिल से इसका इत्माम करना है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, बुरे वक्त से बचाए। तो चलें जी, इजाज़त लेती हूँ इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपना फजल व करम जारी रखे। जजाक अल्लाह खैरन, बारक अल्लाह लका फी अहलिका व मालिका।